अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आप जानते हैं कि आज एतवार है और एतवार वाले दिन अच्छी ऐड आने की जो है एक नवीद थी। ऐड तो अखबार में ज़रूर आया है और ये जो आप डेली MBBS डॉक्टर की ऐड देख रहे हैं, MBBS जो कर लेता है वो आपके इस मुल्क में थोड़ी खिदमत करेगा। जो हालात आपने पैदा किए हुए हैं वो यहाँ पर थोड़ा रहेगा, वो तो आउट ऑफ कंट्री में जाके अपनी खिदमत सर करेगा। तो ये एक्चुअली एक ऐसा एटीट्यूड है, एक ऐसा बिहेवियर है जो लोग भी जिनको भी चांस मिल रहा है वही यहाँ से भाग रहे हैं ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ड्यू टू अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। तो ये चीज़ है जनाब, देखें अखबार पिछले हम 8 ऐड चेक कर चुके हैं कि हर अखबार के अंदर जो भी PPSC का ऐड आता है उसमें सारे MBBS डॉक्टर होते हैं और सीटें बच जाती हैं, बंदे पूरे होते नहीं हैं, उसके बाद दोबारा ऐड आ जाता है। तो आज की ऐड में भी एक समझ लें कि दिल जलने वाली बात है कि PPSC का जो ऐड है सारे अखबार के अंदर जनाब डॉक्टर मांगे गए हैं और एक इसके अंदर सीट है इसकी चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिट ऑफिसर की, और इसके अंदर MCOM MBA फाइनेंस से मास्टर डिग्री सेकेंड डिवीजन इन इकोनॉमिक्स कॉमर्स मैथमेटिक्स टैट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उन्होंने 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मांगा है। और मुझे बड़े अफसोस की से कहना पड़ रहा है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब भी मांगा जाता है एज लिमिट होती है 40 साल, लेकिन यहाँ उन्होंने 33 साल की है जो कि ज़्यादती है। तो यहाँ पे जनाब एक सीट है और 3 साल कंट्रैक्ट पर है और इसके अलावा स्टेनोग्राफर की 4 हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो जनाब 9 अक्टूबर है। इस एड में PMS मिनिस्ट्रियल कोटे आने की जो है बड़ी उम्मीद थी बावसूख ज़रा से, लेकिन वो ऐड नहीं है जनाब। तो बहरहाल जनाब, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं जनाब, जो आज का ऐड है उस ऐड में कोई ख़ास जवाब नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब मैं आपको अपनी एक एकेडमी की थोड़ी सी वो बताना चाहता हूँ। आप इसको थोड़ा सा देख ला दीजिए। ये देख लीजिए, हमारे पास जो है एक जो हमारे मुल्तान एरियाज के अंदर रहते हैं लाइक दैट मुजफ्फरगढ़, DG खाम, भावलपुर, लोधरा, खानेवाल, लिया, मेल फीमेल तमाम स्टूडेंट मुल्तान में गुलगश्त कलोनी बोसन रोड के साथ हमारी अकेडमी या फिजिकल सेशन का आगाज़ हो रहा है 11th बैच का, और इसके अंदर जो आगे आने वाली जॉब हैं ये जॉब ज़रूर आएंगी। और ये कब आएंगी? इंशाल्लाह अक्टूबर वाला महीना बहुत अहम इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए, जिसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर और ASI आ गया, असिस्टेंट SMGAD, असिस्टेंट डायरेक्टर ASF, FIE लोकल गवर्नमेंट, कस्टम इंस्पेक्टर अपरेजिंग ऑफिसर, जूनियर क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पर्सनल असिस्टेंट, इंस्पेक्टर पुलिस या FIA, मैनेजर का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट दरगाह ऑफिसर, प्रोटोकॉल ऑफिसर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, म्यूनसिपल ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, डिप्टी अकाउंटेंट, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर, कैनाल पटवारी, लिटरेसी मोबिलाइजर, फील्ड असिस्टेंट, डिप्टी सेक्रेटरी, प्रोटोकॉल ऑफिसर। तो ये जो जॉब है ना, ये जॉब कुछ आ चुकी हैं और कुछ आनी है, लेकिन इनके टेस्ट किसी के बनी हुई। तमाम स्टूडेंट जनाब याद रखिएगा, हमारी एकेडमी का फिजिकल बैच एक फेस टू फेस क्लासेस 5 दिन क्लास होगी इसकी, और डेली क्लास होगी, डेली टेस्ट होगा। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और यहाँ पे आप सिलेबस भी चेक कर सकते हैं सब कुछ। तो ये सिलेबस के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो जनाब हमारे सामने एक पेज ओपन होता है, तो इसके आप देखें जनाब, इसके ऊपर दोबारा आपने क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने जनाब एक चीज़ ऐड होगी, ये देखें, इसके थ्रू आप जो है सारा कुछ चेक कर सकते हैं भाई इस दौरान हम क्या क्या चीज़ आपको पढ़ाएंगे। तो ये एक आपको सामने जो है सारी चीज़ नज़र आ जाती है, ठीक है। पहले आप क्लास चेक करेंगे, पहले 2 दिन क्लास फ्री होगी और इसकी मुकम्मल डिटेल भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप के लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जनाब 2 अक्टूबर से पहली क्लास है और 3 महीने का ये सेशन होगा। बहरहाल जनाब, आज की जो अखबार है उसके अंदर जो ऐड मौजूदा PPSC की वो जनाब कोई इतनी ख़ास नहीं है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात भी बेहतर करें और हालात तब्दील हों और उसके बाद जो है हम अपने इस मकसद में कामयाब हों। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारा मकसद आपको खबरें प्रोवाइड करना होता है, और हमारा मकसद किसी की जो है ना आप दिल आजारी या ये नहीं होता। बाकी आपको पता है कि जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है हमने तो वही आप अपने चैनल पर लगा देती है। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।